अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू, एसएनआर आई जी एयर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, कैरियर से होंगे। जो मेरी आज की ये वीडियो है, ये पाकिस्तान के एक बहुत ही खूबसूरत पास बड़ा गोई से रिलेटेड है। बड़ा गोई एक इंतहाई कदीम रास्ता है जो कि कलाम को कुमराड वैली के साथ कनेक्ट करता है, और इन दोनों वैलीज के लोग उमूमा इधर से ही आते जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पास है और इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आपको तब ही होगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो आएँ इस वीडियो को देखें, बाकी जो ट्रैक की डिटेल्स हैं वो मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। चलें देखते हैं, थैंक यू। कुछ ऐसे है कि वीडियो तो आप देख ही रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि ट्रैक आपको अच्छा लग रहा होगा। कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। कलाम से अगर आपने बड़गोई पास जाना है तो आपको 4x4 जीप हायर करनी पड़ेगी, इस पर गाड़ी नहीं जा सकती। वाया अथरोड वैली आप बड़गोई पास जाते हैं। अथरोड वैली भी इस लिहाज से काफ़ी फेमस है कि उसमें भी 2-3 ट्रैक्स निकलते हैं आगे। अगर आप कंडोर लेक जाना चाहते हैं तो वो भी अथरोड वैली से जाती है। फिर उसके अलावा अगर स्पिन खौर का आप ट्रैक करना चाहते हैं तो वो भी अथरोड वैली से ही रास्ता जाता है। उसके अलावा एक खरखरी झील है, अथरोड वैली से थोड़ा सा आगे है, उधर भी आप जा सकते हैं। कंडोर लेक पहले तो ट्रैक था लेकिन अब KPK गवर्नमेंट ने जो है वो जीप ट्रैक बना दिया है, तो पहले हाइकिंग करनी पड़ती थी 3 घंटे की। जो स्पिन खौर है वो टोटल हाइकिंग है। और उसके बाद अगर आपने जाना है बड़गोई पास तो ये तकरीबन कलाम से 18 किलोमीटर अथरोड वैली है, और अगर आप टोटल डिस्टेंस लगाएं तो बड़गोई तक तकरीबन 30 किलोमीटर के करीब बनता है। कलाम से कुमराड जाना चाहते हैं तो वो तकरीबन 62 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है। तो डिफरेंट रेट्स हैं जीप्स के। अगर आप बड़गोई पास तक जाते हैं तो तकरीबन आपको 7,000 में, 6 से 7,000 में वहाँ पे ले जाते हैं, और अगर आप कलाम से कुमराड जाना चाहते हैं तो वो भी तकरीबन को 9,000 में, 9,000-10,000, डिपेंड करता है कि सीज़न है या आउट ऑफ सीज़न है या रश पे भी बात का डिपेंड करता है, उस हिसाब से रेट वेरी करता है। लेकिन बड़ा ही खूबसूरत पास है, अगर आप कलाम जाएँ और कुमराड आपने ना भी जाना हो तो टॉप तक ज़रूर जाएं। मैंने जितने भी पासेस अभी तक विज़िट किए हैं मुझे सबसे खूबसूरत यही बड़गोई पास ही लगा। उसके अलावा ये पास सर्दियों में तो टोटली क्लोज हो जाता है, ये तकरीबन 6 माह के लिए ओपन होता है, और सिंगल ट्रैक है, बिल्कुल एडवेंचरस ट्रैक है, थोड़ा सा डेंजरस भी है क्योंकि बिल्कुल सिंगल ट्रैक है। उसके अलावा इसके रास्ते में एक बड़ी मशहूर धमाका झील भी आती है जो शायद किसी धमाके के नतीजे में याद हुई है। प्रॉपर झील तो नहीं है लेकिन बनी हुई है एक झील। तो अगर आप उधर जाते हैं पास पे तो रास्ते में आप धमाका झील को भी इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और वीडियो से आपको आइडिया हो जाएगा पास की खूबसूरती का। तो अगर आप कलाम जाएँ या कुमराड जाएँ तो ज़रूर विज़िट करें, मस्ट विज़िट प्लेस है। थैंक यू।
kindly subscribe to my channel, like my videos, and press the bell icon for my upcoming new videos. Thank you.